चैप्टर वन हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड को पढ़ा था और हमने देखा था कि हम किस तरह से बायोलॉजी को यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स के फायदे के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे हम बायोलॉजी को किस तरह से यूज़ करते हैं डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए। अब डिजीजेज में जैसे जैसे हम कहते हैं कि साइंस में बहुत तरक्की होती जा रही है, इसी तरह बायोलॉजी में भी, बायोलॉजी में जैसे हम कहते हैं कि बहुत प्रोग्रेस होती जा रही है, तो डिजीज कंट्रोल के ऊपर भी हम बहुत काम कर चुके हैं। डिजीजेस को किस तरह से क्योर करना है या किस तरह से कंट्रोल करना है, इसके लिए हम तीन बेसिक एक्शंस लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके बाद तो नहीं, बेसिकली ये एक और स्टेप है जिसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन, और उसके बाद ड्रग ट्रीटमेंट या फिर इसके अंदर डिफरेंट थेरेपीज भी आ सकती हैं। तो वन बाय वन हम इन तीनों को देखते जाते हैं कि इसके अंदर बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम प्रिवेंटिव मेजर्स को देखेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। प्रिवेंटिव मेजर्स को बेसिकली हम एहतियाती तदाबीर भी कह सकते हैं या फिर हम इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स भी कह सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी वो तमाम तरीके और वो तमाम स्टेप्स जो हम लेते हैं किसी भी बीमारी को रोकने के लिए, यानी हम जो एहतियात करते हैं कि हमें कोई भी बीमारी ना हो जाए, उसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एड्स की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एड्स। एड्स क्या होता है? एड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें यह होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर तमाम की तमाम इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि बीमारियों के साथ लड़ने की जो सलाहियत है जो कि ह्यूमन बॉडीज में ऑलरेडी पहले से होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और इसका कॉजेटिव एजेंट या फिर हम कहते हैं कि किस वजह से एड्स होता है, उसकी वजह है एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस स्प्रेड होता है या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से। जब भी कोई सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किया जाता है और उसके अंदर अगर हम कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई ऐसे आलात इस्तेमाल करें जिनके ऊपर, जिन पे एड्स का खतरा मौजूद हो, यानी कि जिन पे कुछ ऐसा ब्लड हो या एड्स के जरासीम मौजूद हो, और वो किसी और पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल कर दिए जाएं, तो एड्स फैल सकता है, एड्स दूसरे पेशेंट्स को भी हो सकता है। तो ये बेसिकली तीन वजूहात हैं जो कि हमने देख ली जिनकी वजह से एचआईवी वायरस फैलता है और एड्स के होना या प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास कि एड्स हो सकता है। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों में एहतियात करें, यानी कि हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान या फिर किसी भी सर्जरी के दौरान एहतियात करेंगे, तो हमें एड्स नहीं हो सकता। तो यही बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। इसी तरह अगर हम किसी और बीमारी की बात करें, जैसे चलें हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस की बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस जैसे कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि हर 10 में से एक बंदे को हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस, आई डोंट नो स्पेलिंग्स ठीक है या नहीं। हेपेटाइटिस में बेसिकली क्या होता है, हेपेटाइटिस जो है वो एच वायरस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। हेपेटाइटिस की बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, ब्ला ब्ला। तो ये जो हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं, इनमें कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि ब्लड के थ्रू फैलते हैं, इसी तरह कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि कंटेमिनेटेड वाटर, गंदे पानी के थ्रू फैलते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर। तो अगर हम पानी को उबाल के पिएंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम एहतियात करेंगे, तो हमें हेपेटाइटिस नहीं हो सकता।
तो यही बेसिकली पॉइंट था बताने का कि प्रिवेंटिव मेयर्स जो हैं वो ली जाती हैं ताकि हम किसी भी बीमारी से दूर रह सकें। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये केयरफुलनेस है, एहतियात है, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आ जाता है उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। आपने अक्सर देखा होगा जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको वैक्सीन लगवाते हैं, कुछ 6 टीके होते हैं जो कि लगाए जाते हैं पाकिस्तान में। इसी तरह लेटर एजेस में हम डिफरेंट तरह की वैक्सीन को यूज़ करते हैं, जैसे हम हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन को यूज़ करते हैं, हम पोलियो के लिए वैक्सीन यूज़ करते हैं, इसी तरह डिफरेंट तरह अदर जो हैं वैक्सीन की टाइप्स होती हैं। तो वैक्सीन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वैक्सीन किसे कहते हैं। देखिए, बीमारी हमें कैसे होती है, बीमारी इस तरह से होती है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, या फिर हम कहते हैं कि कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है जो कि हमारे बॉडी के अंदर आ गया है और वो हमें बीमार कर रहा है। तो वैक्सीन में हम क्या करते हैं, हम वैक्सीन में यही जो वायरस या यही बैक्टीरिया या यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वीक जर्म्स जो हैं अपने अंदर एंटर करवाते हैं। वो वैक्सीन ओरल भी हो सकती है, जैसे कि पोलियो के कतरे हम मुंह के थ्रू लेते हैं, या फिर वो वैक्सीन किसी इंजेक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। तो हम मकसद हमारा यह है कि हम वीक जर्म्स को अपने बॉडी के अंदर एंटर करवाएं। अब आपके ख्याल में ये बात आ रही होगी कि अगर तो हम जर्म्स को खुद एंटर करवा दें तो हमें तो बीमारी हो जाएगी, हम तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये वीक जर्म्स होते हैं या फिर ये इनएक्टिव जर्म्स होते हैं। इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब ये है कि ये बीमारी नहीं फैला सकते। और होता यह है कि जब हमारे बॉडी के अंदर ये वीक जर्म्स डाले जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई एक्स्ट्रा केमिकल या कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमारे बॉडी के अंदर आती है तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं और वो एंटीबॉडीज लड़ते हैं इन वीक जर्म्स या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो हमारे बॉडी के अंदर आई है उससे, और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि हमने वैक्सीन में क्या किया, हमने वैक्सीन में वीक जर्म्स को लिया, उनको बॉडी के अंदर एंटर करवाया और बॉडी ने क्या किया, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बना दिए। और अब बॉडी को पता चल गया कि अगर मेरे पास इस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म या इस तरह का वायरस या बैक्टीरिया या कुछ भी आता है तो मुझे उसके साथ किस तरह से लड़ना है। अब जब रियलिटी में हमारे बॉडी के अंदर कभी किसी भी स्टेज पे इस तरह के ओरिजिनल वायरसेस या बैक्टीरिया जो कि एक्टिव फॉर्म में होते हैं वो एंटर होते हैं तो हमारे बॉडी को पहले से पता होता है कि उन्होंने किस तरह से, हमारी बॉडी ने किस तरह से उसके साथ लड़ना है या किस तरह से उसके साथ डील करना है और उसको ख़त्म करना है। ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है ये फर्स्ट टाइम एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था 796 में। और वैक्सीनेशन उसके बाद से आज तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो चलता आ रहा है और दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि टोटली ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है ये दुनिया से टोटली ख़त्म हो चुकी है बिकॉज हमने वैक्सीनेशन के थ्रू उसको ख़त्म कर दिया है। इसी तरह डिफरेंट रिसर्चेज जो हैं वो अभी भी कंटिन्यू हैं कि हम किस तरह से अपने वर्ल्ड के अंदर से डिफरेंट बाकी बीमारियों को भी ख़त्म कर सकें, जैसे कि पोलियो हो गया है। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी पोलियो पे काफ़ी काम हो रहा है, जैसे पोलियो है, जैसे एड्स है, एड्स पे भी काम हो रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने पढ़ ली वैक्सीनेशन के लिए। और वैक्सीनेशन जो है वो हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी बीमारी को होने से अपने बॉडी को बचा सकें। थर्ड जो हमारे पास स्टेप है वैक्सीनेशन के बाद, थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास है ड्रग ट्रीटमेंट या फिर थेरेपीज। ओके, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो अक्सर हमें जो डॉक्टर है वो एंटीबायोटिक्स लिख के देता है
और उन एंटीबायोटिक्स को लेने से हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली होता क्या है? एंटी को तो हम कहते हैं कि अगेंस्ट, और बायोटिक्स का जो वर्ड है ये बायो से निकला है यानी कि लाइफ से, तो अगेंस्ट लाइफ यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं जिन्होंने हमें बीमार कर दिया है, तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि वो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देती हैं। और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें इससे ये फ़ायदा होता है कि हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट बाकी जितनी भी डिजीजेस हैं उनके क्योर के लिए भी हम कुछ ना कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, या हम कोई ना कोई थेरेपी यूज़ करते हैं ताकि हम ठीक हो सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं कैंसर की, चलें एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैंसर जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और उसके अंदर होता क्या है? उसमें ये होता है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लग जाती है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सेल्स जो हैं वो बार बार डिवाइड और रीडिवाइड करते रहते हैं, और इस तरह से हम कहते हैं कि ये कैंसर है। और कैंसर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? कैंसर को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास रेडियोथेरेपी आ जाती है या फिर कीमोथेरेपी आ जाती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं, कैंसर का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडियोथेरेपी के। रेडियोथेरेपी में हम ये करते हैं कि हम पेशेंट्स को एक कंट्रोल्ड रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे डिफरेंट रेडिएशंस के थ्रू उनके कैंसर को क्योर करते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं। लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल प्रोसेस है। हार्मफुल इस तरह से है कि जब भी हम रेडिएशंस के साथ डील कर रहे होते हैं तो वो रेडिएशन ना सिर्फ कैंसेरियस सेल या कैंसर के जो सेल्स हैं उनको ख़त्म करती है, बल्कि इसके साथ जो हमारे नॉर्मल हेल्दी सेल्स होते हैं वो उनको भी मार देती है या फिर उन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई और क्योर नहीं बचता तो हम रेडियोथेरेपी को ही यूज़ करते हैं। लेकिन उससे भी पहले कैंसर की जो अर्लियर स्टेजेस हैं उसके अंदर हम कीमोथेरेपी को यूज़ करते हैं। और कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी है केमिकल्स के थ्रू कैंसर का इलाज करना, यानी कि हम डिफरेंट केमिकल्स लेते हैं, हम डिफरेंट दवाइयाँ लेते हैं और उसके थ्रू कैंसेरियस सेल जो हैं उनका इलाज करते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि कैंसर के सेल्स को जब हम डील कर रहे होते हैं तो उसके साथ जो हमारे डिफरेंट नॉर्मल सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी के जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो भी खत्म होने लगते हैं। इसके साथ साथ हम डिफरेंट और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं बीमारियों के इलाज के लिए, और उसमें हमारे पास जीन थेरेपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम डिफरेंट बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, और आजकल इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी में हम ये करते हैं कि हम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो भी बीमारी से रिलेटेड जो भी जीन्स हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं, या फिर हेल्दी जीन्स को किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसप्लांट करा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म मजीद बीमार नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि डिफरेंट बीमारियां होती हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आती हैं, ठीक है, जो कि हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो वो बीमारियां जो हैं उनका रीज़न क्या है? उनकी रीज़न हमारे जीन्स हैं, बिकॉज़ वो बीमारियां हमारे जीन्स के अंदर, जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो गया हम तक। उन बीमारियों का इलाज हम जीन थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं। जीन थेरेपी हमें, हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो जीन्स हैं जो कि ये इंफॉर्मेशन, जिनके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है, उन जीन्स को हम चेंज कर लेते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को हम चेंज कर लेते हैं, हम जीन्स को ट्रांसप्लांट करा देते हैं अपने बॉडी के अंदर, और इस तरह से हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो ये तो कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के फ़ायदे के लिए, और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एक हम देखते हैं क्लोनिंग, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट।
तो सबसे पहले हम क्लोनिंग को देख लेते हैं। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग के बारे में आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लोनिंग बेसिकली क्या है? क्लोनिंग में हम डिफरेंट क्लोन्स बनाते हैं। और क्लोन क्या होता है? क्लोन हम कहते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है किसी भी क्लोन के थ्रू। और ये किस तरह से होता है? ये इस तरह से होता है कि हम बेसिकली इसमें हम ये करते हैं कि हम एक फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड एग है। नॉर्मल सेल ले लेते हैं, नॉर्मल सेल, और ये इसका सेल का न्यूक्लियस। तो हमने बेसिकली ये करना होता है कि हम फर्टिलाइज्ड एग में से उसका जो न्यूक्लियस है वो रिमूव कर देते हैं, यानी कि वो जो सेल है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहेगा। उसके बाद हम ये करते हैं कि हम एक नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियस है उसको इस फर्टिलाइज एग के अंदर डाल देते हैं, कुछ इस तरह से ये इसके अंदर आ जाएगा। और ये वाला जो हमारे पास एग आ जाता है इसको हम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर डाल देते हैं। और ये एग जो है इससे हमारे पास जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद डिफरेंट स्टेजेस से बनते बनते हमारे पास एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। और ये इंडिविजुअल आइडेंटिकल कॉपी होता है इस इंडिविजुअल के, यानी कि हमारे पास सपोज अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास बी था, तो ये जो क्लोन बनेगा ये क्लोन बी का क्लोन बन जाएगा। हालांकि जो बी ऑर्गेनिज्म है इसमें कोई रिप्रोडक्शन का या फिर इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। तो इस तरह से हम आइडेंटिकल कॉपीज या क्लोन्स बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यह है क्लोनिंग। क्लोनिंग को हम यूज़ क्यों करते हैं? क्लोनिंग हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें अपनी मर्जी के ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्लांट्स के क्लोन्स हम बनाते हैं। इसी तरह अगर एनिमल्स की बात की जाए तो मैमल्स के अंदर अभी तक जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं उनमें माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, चूहे के ऊपर, इसी तरह काउस के ऊपर काउस के क्लोन्स बनाए जा चुके हैं। और जो जो साइंस में मज़ीद तरक्की होती जा रही है इसी तरह से देखा जा रहा है कि हम मज़ीद डिफरेंट चीज़ों में जैसे कि हॉर्सेस की प्रोडक्शन के लिए या ह्यूमन बींग्स के भी क्लोन्स बना दें। ऑल्दो जो ह्यूमन बींग्स के क्लोन बनाने की जो बात है ये एक हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल जो टॉपिक है आजकल साइंस में कि ह्यूमन बींग्स का क्लोन इधर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मज़ीद और बहुत सारे सोशल इश्यूज आ जाते हैं। एनीवेज तो ये कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू हमने देखा कि किस तरह से हम बायोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। एक और मेथड भी यूज़ हो सकता है क्लोन बनाने का, और उसमें क्या होता है कि हम जो हमारे पास जाइगोट होता है या फिर फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग, हम क्या करते हैं, सपोज ये हमारे पास एग है तो हम उसको तोड़ देते हैं। इस तरह से तोड़ते हैं कि हमारे पास दो छोटे ऑर्गेनिजम्स, दो छोटे से सेल्स आ जाते हैं। और मज़ीद ये फिर जब अपनी लेटर स्टेजेस, जैसे हम देखते हैं कि जाइगोट और फिर एम्ब्रियो और फिर अपनी डिफरेंट जो स्टेजेस हैं कंप्लीट करके जो इंडिविजुअल बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये या फिर दोनों एग्जैक्टली सेम इंडिविजुअल्स बनते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की ट्रू कॉपीज होंगी। क्योंकि हमने क्या किया था कि हमने एक ही सेल को डिवाइड कर दिया था और इस सेल के अंदर या इसके न्यूक्लियस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक ही जैसी थी, सेम इन्फॉर्मेशन थी, तो जो इंडिविजुअल्स बने वो भी एक जैसे थे। तो ये भी एक टाइप है हमारे पास क्लोनिंग की। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो था हमारे पास प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से
प्रिजर्व कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, बचा सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। जैसे जैसे हम साइंस की तरक्की को देखते हैं, इसी तरह उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे कि हम अगर इंडस्ट्रीज की जब बात करते हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, लाइक और वो बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारे डिफरेंट फायदे की चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारे टॉक्सिन्स या फिर डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स भी बनाती हैं, और वो हार्मफुल केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए या फिर एनवायरनमेंट के अंदर पर्टिकुलरली हम कहते हैं एयर और वाटर के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग ऑटोमोबाइल्स की बात करें, जो हमारे पास डिफरेंट गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों से एक तो स्मोक प्रोड्यूस होता है जो कि सीधा का सीधा एयर में चला जाता है, फिर उसके अलावा नॉइस पोल्यूशन जो है वो भी ऑटोमोबाइल्स की वजह से हो सकती है, या फिर हम कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल्स हैं उनमें स्पेशली क्रोमियम के केमिकल्स, क्रोमियम के जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है, और वो बाकी ऑर्गेनिज्म जिनमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं या एनिमल्स हैं डिफरेंट, वो उनकी लाइफ के लिए भी बहुत ही हार्मफुल है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए बायो रिमेडिएशन का प्रोसेस यूज करते हैं, बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन का प्रोसेस बेसिकली ये है कि हम किसी भी एनवायरनमेंट में से टॉक्सिन्स को या हार्मफुल केमिकल जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर हैं हम उनको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हैवी मेटल्स की जो पोल्यूशन हैवी मेटल्स की जो पोल्यूशन है एनवायरनमेंट के अंदर, उसके लिए हम एलजी को यूज़ कर सकते हैं। एलजी जो है वो क्या करती है, एलजी जो है वो इस पोल्यूशन को कम कर देती है, एलजी एब्जॉर्ब करती है, एलजी बेसिकली एब्जॉर्ब दीज मेटल्स, ये इन मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर इनकी पोल्यूशन कम हो जाती है। तो इस तरह से हम डिफरेंट और ऑर्गेनिजम्स को भी यूज करके बायो रिमेडिएशन कर सकते हैं, यानी कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं टॉक्सिन या हार्मफुल केमिकल्स को खत्म करने के लिए। इसके अलावा एक और इश्यू जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को है, जो कि स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि एनिमल्स को है, वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज का। एंडेंजर्ड स्पीशीज उन स्पीशीज को कहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर खत्म हो रहे हैं, जिनकी स्पीशीज खतरे में है और वो नियर फ्यूचर में बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो सकती है। एक्सटिंक्ट उन ऑर्गेनिजम्स को, उन स्पीशीज को कहते हैं जो कि अब दुनिया में नहीं रही, जैसे कि हम कहते हैं कि डायनासोर इसके एग्जाम्पल हैं। डायनासोर जो हैं वो अब इन दुनिया में से टोटली खत्म हो चुके हैं, और बहुत पहले के खत्म हो चुके हुए हैं, यानी कि उनकी स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी है। तो डिफरेंट एंडेंजर्ड स्पीशीज का अगर ख्याल ना रखा जाए या फिर वो इसी तरह से उनकी पॉपुलेशन कम होती जाए, तो एक वक्त आता है कि वो भी एक्सटेंट हो जाती है। तो बायोलॉजिस्ट का डे वन से यही एक पर्पज है कि वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ को प्रिजर्व कर सके और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, और उसके लिए हम डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं लाइफ को बचाने के लिए। एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेशनल लेवल की बात की जाए, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए हम लॉज बना देते हैं डिफरेंट, या फिर हम ये देखते हैं कि वो कौन से कॉजेटिव एजेंट्स हैं जिनकी वजह से कोई भी स्पीशी जो है वो किसी भी एनवायरनमेंट में से खत्म हो रही है। हो सकता है कि वहां पे फूड कम हो जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि फूड, या फिर ये हो सकता है कि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, यानी कि ऑर्गेनिजम्स खुद ज्यादा हो और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हो, या फिर कोई भी और पॉजिटिव एजेंट्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहां पे हंटिंग बहुत ज्यादा हो रही हो उन ऑर्गेनिजम्स की, तो अभी वो जो है वो एंडेंजर्ड हो सकते हैं। या फिर एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हों
या एयर में या फिर डर्टी वाटर हो जो कि इन ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर रहा हो, इनकी पॉपुलेशन को एक्सटेंक्ट कर रहा हो, एक्सटेंक्ट कर रहा हो। जैसे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो डिफरेंट जो फिश है हमारे पास उनकी लाइफ जो है वो खतरे में है, और बहुत सारी फिशेज, हमारी फिश जो है वो पूरे पाकिस्तान से मर जाती है हर साल बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह हमारे पास या तो डर्टी वाटर है, या फिर वही डर्टी वाटर के अंदर हमारे पास बेसिकली पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि लेड के जो पोल्यूटेंट्स हैं, पीबी जिसे हम कहते हैं, तो इसके डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एनवायरमेंट के अंदर हैं, वो हमारे और मजीद चीज़ों को पोल्यूट कर रहे हैं, या फिर फिश के लिए पेट्रोल्स या पेट्रोकेमिकल जो हैं वो इनको नुकसान देते हैं। तो बेसिकली ये तो हमने देखा कि किस तरह से एंडेंजर्ड स्पीशीज को डील किया जाता है, इनके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था उसमें हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हम बायोलॉजी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डिजीज के कंट्रोल के लिए, डिफरेंट बीमारियों को खत्म करने के लिए। पहला हमने देखा प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके बाद हमने वैक्सीनेशन, और फिर हमने ड्रग ट्रीटमेंट या डिफरेंट तरह की थेरेपी के कौन कौन सी थेरेपीज हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मजीद हमने कुछ और चीज़ें डिस्कस की, कुछ और मेथड्स डिस्कस किए, जैसे उनमें हमारे पास पहले एक था क्लोनिंग। क्लोनिंग के अंदर हमने देखा हम किस तरह से क्लोन्स बनाते हैं, क्लोनिंग का मेथड, क्लोनिंग किस तरह से की जाती है और क्या क्या फ़ायदे हैं क्लोनिंग के। उसके बाद हमने प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर देखा कि हम एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे के लिए क्या करें और एनवायरनमेंट को किस तरह से कंजर्व रख रहे हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था, और यहीं पे हमारा जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। सो दैट वाज ऑल।